खरगोन में आज सिद्धनाथ महादेव का शाही शिव डोला परंपरा अनुसार धूमधाम से निकाला गया। कोरोना काल के चलते सरकार की गाइडलाइन के तहत शिव डोला निकालने का निर्णय लिया था। हालांकि शिव की बारह शासन प्रशासन की गाइडलाइन पर आस्था और श्रद्धा के चलते भारी पड़ती नजर आई। राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन आज होने से लोगों में काफी उत्साह देखा गया। भाजपा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल और कांग्रेस विधायक रवि जोशी ने शिव ढोले की विधिवत पूजा अर्चना की। सांसद गजेंद्र पटेल और विधायक रवि जोशी का मानना था कि राम मंदिर निर्माण को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। डोले का स्वरूप कोरोना के चलते छोटा है, लेकिन मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के शिव भक्तों का उत्साह बड़ा है। प्रशासन के निर्देश अनुसार डोला मंदिर परिसर से बावड़ी बस स्टैंड तक परंपरा के निर्वहन के लिए निकाला गया। हालांकि मंदिर परिसर के बाहर से शिवडोले के भ्रमण के दौरान आस्था और श्रद्धा भक्ति सोशल डिस्टेंसिंग पर भारी पड़ी। गौरतलब है कि पिछले 52 वर्षों में सावन माह में समापन पर भादों की दूध शिवडोला निकाला जाता है। खरगोन शहर का सबसे बड़ा धार्मिक चल समारोह आयोजन होता है। इसमें प्रतिवर्ष करीब 2 लाख श्रद्धालु शामिल होते हैं। सुबह 9 बजे से रात 2 बजे तक करीब 16-17 घंटे पूरे शहर में शिवडोला भ्रमण करता है और शिव की झांकी अखाड़ों के साथ हजारों बाराती जमकर झूमते हैं। खरगोन और कसरावद अनुभाग में आज संपूर्ण दिवस का कलेक्टर द्वारा अवकाश भी घोषित किया जाता है, लेकिन इस वर्ष पुलिस की मौजूदगी में केवल शिवडोले की परंपरा का निर्वहन किया गया। खरगोन से जीत तिवारी की रिपोर्ट। ऐसे भी आज बड़ा गर्व का दिन भी है और भारत की जिसकी पहचान है कि यह हिंदू संस्कृति का देश है, संत सनातन धर्मावलंबी का देश है और भगवान भोले की भी शिव यात्रा आज निकल रही है। खरगोन का यह एक ऐतिहासिक दिन जहां पर भगवान भोले की यह शोभा यात्रा निकलती है, उस अवसर पर मैं विधायक जी सम्मानी रवि जोशी जी, हमारे इस धर्म प्रेमी सभी जनता, हम सब लोगों ने आज पूजा अर्चना की और आज देश का भी बड़ा गौरव का विषय है कि 500 साल पुराना इतिहास जहां पर बाबर ने राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई थी और उसका निर्माण की शुरुआत भी आज के दिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी और संत समाज के द्वारा होने जा रहा है। मैं आज के इस अवसर पर खरगोन लोकसभा की समस्त जनता को और धर्म प्रेमी जनता को, संत सनातन धर्म को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ कि हजारों साल पुराना का इतिहास हम राम मंदिर का निर्माण भी कर रहे हैं और भगवान भोले की भी यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं। सबको शुभकामना और बधाई। पूरे देशवासियों को आज राम मंदिर के भूमि पूजन के अवसर पर बहुत बहुत बधाई। वर्षों के इंतजार के बाद आज इंतजार खत्म हुआ, उसका भूमि पूजन होगा और पूरे देश में उत्साह का वातावरण है। पूरे देश की जनता आज इसी समय का इंतजार कर रही थी। मेरी ओर से पूरी देश की जनता को, विशेषकर निमाड़ की और मध्य प्रदेश की जनता को बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही आपने पूछा कोरोना काल है, कोरोना काल है वो तो चलता रहेगा। एक नगर के अंदर भव्य राजाधिराज भोलेनाथ की यात्रा निकलती है, उस यात्रा की सब लोग मिलकर निकाल रहे हैं। यात्रा का स्वरूप हमने कब छोटा कर दिया गया है, नगर के जरूरत के हिसाब से भगवान भोलेनाथ से हमारी साल भर के लिए मनोकामनाएं पूरी हो उसकी कामना करते हैं और माननीय सांसद जी ने अभी भगवान भोलेनाथ से कामना करी कि अच्छी बारिश हो निमाड़ अंचल में और निमाड़ खूब फले फूले, इसी कामना के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़।
हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।